हेलो एवरीवन, मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीकली रीडिंग में आप लोग का स्वागत है। एक बिग अनाउंसमेंट है फ्री रीडिंग्स के लिए। जी हाँ, ये करने वाली हूँ मैं मेरे चैनल पे एक गिव अवे। आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करनी है, तो अगर वो आप करते हो तो आप जीत सकते हो ये पर्सनल रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हो कि इस गिव अवे में आप लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मेरी चैनल को फॉलो करनी है, क्योंकि आगे रीडिंग्स में मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या रूल्स है। कोई भी रीडिंग में मैं बता सकती हूँ या फिर अलग से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आज की वीकली रीडिंग की तरफ। हेलो पाइसिस, तो चलिए देख लेते हैं ये वीक आप लोगों की कैसे जाने वाली है। मेरी तरफ से मैं गाइडेंस दूंगी इस वीक में, और स्पिरिट्स की तरफ से भी आपको डायरेक्ट आंसर मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि इस वीक में मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, क्या मुझे जानने को मिलता है फॉर माई पाइसिस पीपल। ओके, सो पाइसिस के लिए फर्स्ट मैसेज जो मिल रहा है मुझे, जैसे कि पाइसिस को कुछ खुशी से रिलेटेड कुछ आपके मन में है, लाइक फैमिली बनाना चाहते हो या फिर फैमिली के साथ हैप्पी रहना चाहते हो, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या बताती है। मुझे जो यहाँ पर दिखा कि कहीं ना कहीं आप एक ना खुलापन चाहते हो, लाइक एक अपने तरीके से जियो, ऐसा कुछ चाहते हो। थ्री कार्ड्स ही मुझे चाहिए। थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ रॉड्स, नाइन ऑफ कप्स, या विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड कुछ आपके मन में है जो कि मैंने कहा, एंड क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनल तो आप लोग हो, तो यहाँ पर जोड़ा बन गई है। आपके अगर हस्बैंड है या फिर आपके पार्टनर है या फिर या अगर ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में है, तो मैं बोल सकती हूँ वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी इक्वेस्टिक पर्सन हो सकते हैं, थोड़ी सी गुस्सेल वाले हो सकते हैं, या एंड आप लोग तो बहुत इमोशनल हो क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। तो या जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, एंड जो मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा इग्वेस्टिक, रूड, एंड बहुत ज़्यादा यू नो खुद की चलाना पसंद करते हैं, आई जस्ट फील। तो अभी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ये कोई यू नो वुमेन या फिर मैन ऐसा नहीं होते हैं, वुमेन में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ओके, तो वैसा कुछ आप देख लो कि आपके साथ कौन सा जा रहा है, आप बहुत इमोशनल हो या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा यू नो खुद की चलाना पसंद करते हो। तो ये जो आप हो उसके ऑपोजिट है आपके पार्टनर। ओके, आप चाहते हो किसी इंसान से शादी करना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बन रहा है, या फिर आप अपने लाइफ में उस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर वो इंसान आपके लाइफ में आने वाली है जो कि आपके अल्टीमेट खुशी है। मुझे जैसा कि लग रहा था कि मैंने आपको कहा ना कि आप जैसे फैमिली बनाना चाहते हो, फैमिली के साथ कुछ खुशी शेयर करना चाहते हो, आई जस्ट फील, तो वही मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है जो कि आपके लाइफ में या तो ऑलरेडी है या फिर आने वाला है। ओके, तो इस इंसान से रिलेटेड इस वीक में मुझे जो मिल रहा है आपके लिए मैसेज, कि आप लोग इस वीक में बहुत ज्यादा यू नो अपनी खुशी के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो बाकी लोगों के लिए। मैंने जैसे कि यहाँ पर लव लाइफ रिलेटेड कहा, और बाकी लोगों के लिए जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी खुशी के ऊपर फोकस्ड होने वाले हो। लाइक अगर आपको लगे कि आपकी खुशी है इमोशनल होके कोई डिसीजन लेने में, तो आप इमोशनल हो जाओगे। अगर आपको लगे कहीं पर रूड होने की ज़रूरत है एंड कहीं पर गुस्सा करने की ज़रूरत है, अपने चलाने की ज़रूरत है, तो आप वैसा भी करोगे। बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप वैसा करने वाले हो जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है, और इस वीक में आप कहीं ना कहीं अपनी खुशी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। आप अगर सिंगल हो तो सिंगल एनर्जी में भी आप बहुत ज़्यादा जैसे कि खुश होने वाले हो। ओके, इस वीक में मैं बोल सकती हूँ कि पाइसिस पीपल बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड होने वाले हैं, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देने वाले। वाओ, अगर ऐसा करोगे
तो बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ लव करना सबकी बस की बात नहीं है, ये सभी को करने की ज़रूरत है, बट हम कितने लोग करते हैं नहीं, फैमिलीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, लोगों के साथ बिज़ी हो जाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं और ख़ुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं। देख लेते हैं कि कार्ड क्या बताती हैं। मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए फॉर पाइसेस। मेरी तरफ से अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो कुछ भी वैसा नहीं है। देख लेते हैं स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो आपके लाइफ से वो टफ साइकिल बस एंड हो रही है, ठीक है, इसीलिए शायद आप लोग बहुत खुश हो। आपको इस वीक में अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इस वीक में उसका एंड हो रही है और दैट्स वाई आप लोग बहुत हैप्पी होने वाले हो। मुझे ऐसा कि लग रहा है कि आपकी जो वेट था ना एक ख़त्म होने वाली है। जो लोग भी वेट कर रहे थे किसी के लिए या फिर कुछ चीज़ के लिए, तो वो वेटिंग एंड होने वाली है, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड द सेकेंड कार्ड है ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, और आप जो सिचुएशन होगे ना उसमें भी प्यार ढूंढोगे। इस वीक में आपके लिए मुझे सिर्फ प्यार ही प्यार दिख रहा है, खुशी ही खुशी दिख रहा है। इस वीक में आपको जो भी आप करोगे या फिर आपके साथ जो भी होगा वहाँ पर आपको खुशियाँ ही मिलने वाली है। वाओ, मैं स्पिरिट से दुआ करूँगी कि या डेफिनेटली ये जो मैं जिन लोगों के लिए भी रीडिंग कर रही हूँ हर पाइसिस के साथ ही ऐसा ही हो और आप लोग ऐसे ही खुश रहो, क्योंकि मुझे इस वीक में दिख रहा है कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। आपके साथ वो सारी चीज़ें होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देने वाली है। ओके, सो आपके लिए यही गाइडेंस था, यही मैसेजेस था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।